जितने विधायक हैं, जितने विधान पार्षद हैं, सब लोगों के लिए एक एक बिल्डिंग तय रहेगा कि जब भी जो भी होगा उस स्थान से उन्हीं को मिलेगा। प्राइवेट डेरा को देता नहीं, जैसे सुनता ये मिले। अब हम लोग विभिन्न दल के लोग भी एक साथ रहेंगे। गृह विभाग में ऐसी जगह डेरा है कि आपको भी कह देंगे तो आप जाते जाते पहुँच जाइएगा। बिहार के तमाम विधायकों के लिए आज खुशी की बात है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उनके सरकारी आवास का उद्घाटन किया गया है। ये तमाम आवास हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के तमाम विधायकों को सौंपे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद अपने हाथों से तमाम विधायकों को चाबी सौंपी है। जितने विधायक हैं, जितने विधान पार्षद हैं, सब लोगों के लिए एक एक बिल्डिंग तय रहेगा कि जब भी जो भी होगा उस स्थान से उन्हीं को मिलेगा वो जगह। तो इसके लिए ये तस्वीर है जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन विधायकों को, तमाम जो विधायक हैं, उनको उनके जो सरकारी आवास है उसकी चाबी सौंप रहे हैं। और अभी कई सारे आवास जो हैं वो आवंटित कर दिए गए हैं, लेकिन कई सारे आवास जो हैं उनका आवंटन किया जाना है और कई आवास जो हैं वो बनकर तैयार हो रहे हैं और अभी आवास में जो काम है वो चल रहा है। हालाँकि जो विधायक हैं वो काफ़ी खुश हैं उन चाबी मिलने के बाद, और सीधे तौर पर खुशी जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि पहले काफ़ी परेशानी होती थी, लोग घर नहीं देते थे, जानते थे कि विधायक है तो घर नहीं देते थे। ये तमाम बातें कही हैं सुल्तानगंज के विधायक ललित नारायण मंडल ने। क्या कुछ कह रहे हैं विधायक, पहले आप वो सुने। सर, नया आवास आवंटित हुआ है, कितनी खुशी है, कितनी परेशानी होती थी पहले आवास? परेशानी तो मत पूछिए कि 2 साल से हम लोग मुख्यमंत्री से कई बार हम लोग अपनी समस्याओं को रखे मिलकर उनसे कि सर हम लोग को दिक्कत होती है, प्राइवेट डेरा को देता नहीं, जैसे सुनता ये मिले तो डेरा नहीं देता है, इसलिए मन लग डेरा मिलता नहीं है और क्षेत्र की जनता भी आ नहीं पाती, उसको हम लोग वहाँ रख नहीं पाते हैं। तो अब जो नया डेरा मिला है तो हम लोग को वातावरण भी ठीक मिलेगा। अब हम लोग विभिन्न दल के लोग भी एक साथ रहेंगे और जनता को भी फायदा होगा, इसलिए खुशी तो है। देर आए दुरुस्त आए दोस्त को भी पटना में आपका एक पक्का एड्रेस मिल गया जहां उसके हाँ मुलाकात हमसे मुलाकात कर सकता है, रात भी रात में रुक सकता है। ऐसे हमारा गर्दनी बाग में ऐसे जगह डेरा है कि आपको भी कह देंगे तो आप जाते जाते पहुँच जाइएगा। काहे अच्छे जगह में डेरा देता ही नहीं, अब काहे नहीं देता वो तो हम नहीं कह सकते हैं। इससे अच्छा लगा हमारे लिए भी और हमारे क्षेत्र की जनता के लिए भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो चाबी मिलने के बाद जो तमाम विधायक हैं वो खुशी जाहिर कर रहे हैं और सीधे तौर पर उनका कहना है कि काफ़ी परेशानी होती थी हमें भी और जनता को भी, क्योंकि हम लोग जनता के सेवक हैं और जनता से मुलाकात करने में हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जनता को भी हमसे मुलाकात करने के लिए काफ़ी मुश्किलें होती थी, लेकिन अब जनता को हमसे मुलाकात करने में, रात गुजारने में, क्योंकि कई लोग पटना बहुत सारे काम से आते हैं तो कामों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और जनता के लिए हमारा जो एक पक्का एड्रेस है वो मिल गया है, पक्का जो स्थान है वो मिल गया है हमें, और अब जनता को हमसे मुलाकात करने के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही उन्हें रात में रुकने के लिए सोचना पड़ेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें दैनिक न्यूज़ के साथ और देखते रहें दैनिक न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।